हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पिंडी रिएक्शन। आज फिर एक और वीडियो अपने साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं हूं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है दादी की रसोई मील फॉर 5 रुपीज। सीरियसली हाँ, ये दादी की रसोई, ये काफी बार सजेशन में आया लेकिन पता नहीं क्यों डिले हो गया, जैसे बहुत सारी और सजेशन। दादी की रसोई, ओके, कुछ ट्रेडिशनल टाइप वीडियो देखने लगे हैं। कुछ बहुत सारी सजेशंस इसकी, बहुत पहले मुझे याद आ रहा है सजेशंस आई थी लेकिन आई डोंट नो व्हाई मिस हो गई थी। सो लेट्स सी, देख रहे हैं। सो माजरत जिन्होंने सजेशन दी थी, हम अक्सर डिले कर देते हैं, देर कर देते हैं हम, तो माजरत। लेट्स सी, 1 2 3 गो। 5 रुपए में खाना खिलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। 5 रुपए में 5 स्टार जैसा खाना, बहुत अच्छी क्वालिटी का खाना देना, ये बहुत मुश्किल काम है। मेरा नाम अनूप खन्ना है और मैं यहाँ 1984 में आया था। खाना हमारा इतना टेस्टी है ना, ये 5 रुपए की बात नहीं है, खाने के टेस्ट को लेने के लिए बहुत लोग आते हैं। तो यहाँ पे स्वीपर्स भी आते हैं, रिक्शा वाले आते हैं, आपने देखा होगा माली हैं, जितने भी ये रोड पे काम करते हैं, ब्लाइंड लोग भी आ रहे हैं खाने के लिए, और जिस जिसको पता है सारे आते हैं यहाँ पर। नियम एक ही बना रखा है, जो आएगा वो लाइन में ज़रूर लगेगा, और लाइन में लगना चाहे वो दुकान का मालिक है और नौकर हैं, सब जने लाइन में लगते हैं। और कई बार बड़ा अच्छा सा लगता है कि आगे नौकर खड़े हैं और पीछे उसके मालिक खड़े हैं, तो मतलब इट्स अ गुड साइड। एक अच्छी चीज़ ये है, यहाँ पर सब जने खुशी खुशी लेते हैं और उनकी भावना भी अच्छी होती है लेते हुए। बड़ी फेमस सी चीज़ है। 5 रुपए में खाना खिलाते हैं लोग। जो ये दादी की रसोई तक हम पहुँचे, एक बार मदर की थोड़ी सी तबीयत खराब थी, खाना कम खा रही थी, तो मजाक में उन्होंने कहा, हम बच्चों के साथ बैठे हुए थे, कहने लगे कि अगर मेरे हिस्से का कुछ खाना बच रहा हो किसी गरीब को क्यों नहीं खिलाते। तो बच्चों ने कहा, पापा बहुत अच्छी बात कही है, दादी की इच्छा है, दादी के नाम से कुछ शुरू करें। इमीडिएटली मेरी बेटी के मुँह से निकला, कहने लगी दादी की रसोई नाम भी अच्छा है। तो सडनली बातों में इसका कंसेप्ट बन गया कि हमें कुछ करना चाहिए। 21 अगस्त 2015 को हम लोगों ने फैसला करा, हमारी मम्मी ने कहा कि दिन भी अच्छा है, तुम्हारा जन्मदिन भी है, तुम शुरू कर सकते हो। तो हमने अपने मित्रों से राय ली, सबसे करा कि भाई शुरू कर दिया जाता भगवान का नाम लेके। वो दिन आज का दिन है, ऊपर वाले की दुआ से बहुत अच्छा चल रहा है। मांगते हम किसी से नहीं, लेकिन ये है कि अगर कोई भी काम दिल से शुरू करा जाए तो देने वालों की बहुत ज़्यादा लाइन है, लेने वाले कम है, ये मेरा अपना मानना है। 5 रुपए में एक रिक्शा वाले को भरपेट खाना मिल रहा है, कुछ लोग जुड़ते जा रहे हैं। पिछले मेरे ख्याल है 1.5-2 महीने से लगातार रसगुल्ले भी बट रहे हैं यहाँ पर, कोई ना कोई आके बांट रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है। 5 रुपए में एक मंच दे दिया, CCTV कैमरा लगा रखे हैं 4 हम लोगों ने, कि कैसे खाना बन रहा है, इसकी सारी रिकॉर्डिंग भी रख, कोशिश करते हैं कि पूरा अच्छी तरह से हाइजीन वाला खाना मिले। देसी घी का खाना है, बासमती चावल है, और प्योर हाइजीन के अंदर RO वाटर के अंदर हम लोग पूरा खाना बनाते हैं, और सवेरे एक्वापेयर की गोलियाँ डालते हैं सब्जियाँ वगैरह धोने के लिए। देखिए इनिशियली हमें भी नहीं आइडिया था कि कैसे करना है, क्योंकि हम बेसिकली कुक वगैरह तो है नहीं, तो इधर उधर से जो भी मिलता था, एक कुक अच्छा था हमने लिया था, तो शुरू में तो बहुत दिक्कतें आई थी। रिस्पांस की जहाँ तक बात है, 250-300 आदमी से शुरू हुआ था, 150-200-250-300, कई बार 400 हो जाते थे, कई बार कम रह जाते थे। लेकिन अब जब से ये सबको पता लगा है, खाने के टेस्ट की बात आई है और दूर दूर तक इसकी ख्याति भी हुई है, तो अब तो बड़े आराम से, आपने देखा कि 2 बजते भी सारा खाना फिनिश हो जाता है। 5 रुपए में ये जो हमारा आपने देखा था डिब्बा रखा था पैसे वाला, इसका मुंह ऊपर की ओर है, वो कैसे भरता है ये ऊपर वाला देखता है। मैं इस चीज को बहुत अच्छी तरह से मानता हूँ कि ऊपर वाला देखता है कि वो कैसे भरना है, मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है। 5 रुपए शुरू में तो कहते थे कि साहब बड़ा आज कोई आता था कि हमें लेते हुए अच्छा नहीं लग रहा, कई बार आते हैं लोग 5 की जगह 50 रुपए भी डाल देते हैं जो अच्छे होते हैं, कहते हैं हमें अच्छा नहीं लग रहा लेकिन हम आपका खाना जो खाना चाहते हैं। इसमें बहुत लोगों का योग है, मैं जैसे होता है कि सब्जी वाला है मेरा, मैं खास तौर से मोहम्मद आजाद नाम है उनका, 47 सेक्टर में उनका काउंटर है, जब मैं शुरू में उनसे सब्जी लेने जाता था तो मार्केट रेट लगाते थे, फिर उन्हें सडनली पता लगा कि मैं दादी की रसोई 5 रुपए में खाना देता हूँ। बोले साहब मैं ऐसा है कि आपको मंडी के रेट देना चाहता हूँ, आज़ादपुर मंडी के। आज़ादपुर मंडी का मतलब है कि जमीन आसमान का फर्क। 5 रुपए की आजकल कोई वैल्यू नहीं है, 5 रुपए फ्री सामान है, लेकिन 5 रुपए में उसका स्वाभिमान देखिए। किसी को भी अगर आप फ्री में देना ना, तो मेरा अपना निजी तौर से मानता हूँ कि हम उसे जलील कर रहे हैं कि भाई एक तरह से
आप उसे 5 रुपए में उसका स्वाभिमान जागता है, वो बड़े आराम से कहता है कि 5 रुपए लीजिए मुझे खाना दीजिए, मुझे थोड़ा सा अचार दीजिए, मुझे थोड़ी सी दाल और दीजिए। 5 रुपया प्लेट बहुत बढ़िया है, खाना घर जैसा खाना लगता है यहाँ का। एक दिन कोई कभी कर देगा, हर रोज करना इट्स अ बिग डील। एक एज के बाद में जब आपकी जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाती हैं लाइफ में, तो जो आपने समाज से लिया वो समाज को लौटाना भी चाहिए। मेरे एक बेटा एक बेटी है, दोनों वेल सेटल हैं, दोनों की शादी हो चुकी है, तो अब अगर मैं कुछ करना चाह रहा हूँ तो वो समाज के लिए मैं इजीली कर सकता हूँ। तो ये सेकंड इनिंग इज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहली इनिंग में तो आदमी अपने काम धंधे में ही लगा रहता है, कैसे बच्चों को सेटल कराना, कैसे बच्चों की शादी होनी है, लेकिन अब आगे जाकर हो गया है तो ये थोड़ा सा समाज के लिए करने का दिल से काम करते हैं और मज़ा भी आता है और मैं इन्जॉय करता हूँ। काम की रिकग्निशन मिलना सबको अच्छा लगता है, लेकिन सबसे अच्छा ये लगता है कि हमें खाना देना है 5 रुपए में, वो खाना दें जो उन लोगों को बड़े से बड़े होटल में ना मिलता हो। मैं अपने बलबूते जितना कर सकता हूँ वो तो वो चीज़ें हैं, लेकिन जितने लोग जुड़ गए हैं, अब आपने देखा कि 5 रुपए में इतनी सारी चीज़ें, मैं नहीं समझता कि मैं अकेले दे पाऊँगा। ये समाज का सहयोग है, समाज का काम है। बहुत अच्छा आइडिया ये ना। मतलब 5 रुपए में आपको खाना मिल रहा है, वो भी बड़ा टेस्टी किस्म का। असल में उनकी जो इंटेंशन है वो कोई मतलब तो उनके इंटेंशन बड़ी अच्छी अच्छी यार इसमें बातें हैं कुछ जो बड़ी अट्रैक्टिव है। एक तो 5 रुपए उसका रेट सेट करना, फ्री देने के भी नुकसान है और ज्यादा चार्ज करने के भी। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है, ये फ्री अगर आप फ्री देते हो तो आप किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर रहे हो। अब जो खाना खा रहे हैं उन्हें फील होता है कि हम पे करके खा रहे हैं और अपना ही हमारा खाना है, तो बड़ी अच्छी चीजें हैं इस तरह की बातें। अब उसमें एक और बात है उनका, अगर आप वाकई में सच्चे दिल से कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करें तो देने वाले ज्यादा हैं, लेने वाले कम हैं। ऐसे ही है, इनिशिएटिव अगर आप कोई पॉजिटिव लेते हैं तो आपको बहुत सारी सपोर्ट मिल जाती है। जितने भी बड़े बड़े इस तरह के कोई काम होते हैं ना, चैरिटी के काम जो बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, अगर हम उसके स्टार्ट पे जिन लोगों ने स्टार्ट किया उनसे आप बात करें तो वो लोग यही कहते हैं कि हमें लगता था कि ये नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा इनिशिएटिव। सारे बड़े काम जो है वो इसी तरह हुए, इसी तरह स्टार्ट में सबको लगता था। तो फिर वो लोग कहते हैं कि हमें समझ नहीं आई कि कहाँ कहाँ से कितनी सपोर्ट जमा हो गई। तो ये अगर आप अच्छा एक बार स्टार्ट लें और अच्छी इंटेंशन के साथ लगें तो फिर आपका वो कंप्लीट हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करने आ जाते हैं। वो मुझे एक शेर याद आ गया, मेरे एक टीचर हैं वो बोलते होते थे, बोलो बोलो, आई लाइक पोएट्री, तो उन्होंने शेर सुनाया था कि सब कहते हैं दीप से दीप जलाना है, कौन मगर अनवर पहला दीप जलाता है। तो वो जो पहला दीप वाली बात है ना, वो मेन चीज होती है। अगर आप वो पहले दीप जलाने वाले हैं तो आपको बहुत सारे लोग हैं जो आपके दीप से दीप जलाने वाले बैठे हुए हैं, जो आपके इनिशिएटिव में आपको सपोर्ट करेंगे। स्टार्ट तो लेना चाहिए एटलीस्ट, उसके बाद आगे जिस तरह जाना है वो चीजें खुद ही। जैसे उन्होंने बताया ना कि अभी कुछ लोग आते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं 5 रुपए कम है तो हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो वो 50 दे देते हैं। और वो इसी तरह कह रहे थे कि मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई पैसे पूरे करने में, बस हो जाते हैं पूरे। और फिर वो जैसे वो कह रहे थे जिससे मैं सब्जी लेने जाता था, उस बंदे को जब पता चला कि मेरी मैं इस तरह ये काम कर रहा हूँ तो उसने रेट मतलब अपना जब भी सुनते हैं कि अच्छा काम हो रहा है तो उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। हर बंदा ना एक अच्छे कॉज में कंट्रीब्यूट करता है। अब वो सब्जी वाले बंदे ने अपना प्रॉफिट मार्जिन ही छोड़ दिया, एक किस्म की पार्टिसिपेट है चैरिटी वाली चीज में। तो जो अच्छे लोग हैं वो अच्छे काम में जरूर कंट्रीब्यूट करते हैं, बिल्कुल। इसलिए आपको टेंशन ही लेनी चाहिए कि अगर मैं अच्छे रास्ते पर चल रहा हूँ तो लोग साथ देंगे, ऑब्वियसली बात है। हाँ, और ये मुझे ना बड़ा पॉजिटिव चीज लगी है जो खाने का बहुत सारी मतलब ये एक आइडिया, इसको लेके बहुत सारी और जगहों पे भी इस तरह का काम स्टार्ट हो सकता है। होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए ऐसे काम, जो जहाँ पे हमारी लेबर खाना खाती है या उस तरह के जो एरियाज हैं जहाँ पे बहुत सारे इस तरह के लोग जो लेबर काम करती है स्पेसिफिकली जिन एरिया में, वहाँ पे इस तरह की चीजें जो इनिशिएटिव अगर हो तो बहुत ज्यादा एक उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी रहती है। और एक आप सबसे अच्छी बात ये सेल्फ रिस्पेक्ट वाली थी कि उन्होंने एटलीस्ट कोई प्राइस इसकी सेट की हुई है जो कि नेगलिजिबल है, हर बंदा इजीली दे सकता है। 5 रुपए की आजकल क्या वैल्यू है। ये इसी तरह जैसे पाकिस्तान में वो 20 रुपए का दस्तरखान वाला स्टार्ट नहीं थी, काफी सारे इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन इसको बड़े स्केल पर जाना चाहिए और इसको स्प्रेड करना चाहिए अपने आप को, और आप लोग इसको शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, लोग इस तरह के काम जो एलिजिबल हैं वो स्टार्ट कर सकें ऐसे इनिशिएटिव्स को। काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन वो एक होती है ना इंस्पिरेशन नहीं मिल रही होती अंदर से उन्हें कुछ करने की, तो आप लोग अपना आइडिया वहां तक पहुंचाएं। एक और चीज भी होती है जो इनिशियल स्टार्ट लेना होता है ना, वो मेरे ख्याल से 50% जो आपकी सक्सेस होती है ना वो आपका इनिशिएटिव होता है, वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। अगर आपने एक दफा स्टार्ट कर दिया फिर आगे कोई मसला नहीं होता, लेकिन स्टार्ट करना ही सबसे बड़ा काम है। बिल्कुल।
सो आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं इस वीडियो को लेके, बहुत इम्प्रेसिव लगी हमें और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो इस वीडियो में से हम ले सकते हैं। आप लोगों का क्या व्यू है इस पॉइंट पे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और ज़रूर बताइएगा मजीद कोई अच्छी वीडियो आपकी नज़र से गुजरे तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को रिंग करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ हासिल कर सकें। अगर आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ और वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।